नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेपी क्रिकेट तक चैनल में। विश्व कप का शुरुआत हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप का, और क्या शानदार शुरुआत हुआ है विश्व कप का। पहले ही मैच में एक बहुत बड़ा अपसेट। मैं अगर कहूं तो इस विश्व कप में कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, और आज पहले ही मैच में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल गया है। नामीबिया की टीम ने श्रीलंका को 55 रनों से हरा दिया। बहुत बड़ा मार्जिन है दोस्तों, अगर हराने का मार्जिन देखें तो बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है इस विश्व कप में आपको ऐसे चीजें देखने को मिलती रहेंगी, और बड़ी टीमों को भी छोटी टीमें हराएंगी, हरा सकती है, क्योंकि 20 ओवर का गेम है। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े होते हैं, छक्के लगाने इतने आसान नहीं होते हैं वहां पे। और श्रीलंकन बैट्समैन की बातें करूं तो श्रीलंका ने आज खराब बल्लेबाजी भी किया है, और दाद देनी होगी नामीबिया की बॉलिंग की। शानदार खेल का प्रदर्शन किया नामीबिया ने, उनकी बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही थी, लगभग 6 विकेट उनके बहुत जल्दी गिर गए थे, लेकिन फिर भी ये टीम 163 रन बनाकर लेकर गई, जिसके मेन जो दो प्लेयर रहे मुझे जहां तक लगता है इन दोनों का प्रदर्शन बॉलिंग में भी और बैटिंग के कारण नामीबिया ये मैच जीत पाया। जेन फ्रैंकलिन आपके 44 रन बनाए 28 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से, और जे स्मिथ इन्होंने 16 गेंदों में 31 रन की पारी खेली, जिस वजह से नामीबिया आपका 163 रन बनाकर ले गया। लास्ट 4 ओवर में बहुत रन बने, जिसके कारण श्रीलंकन टीम पे दबाव आया। एक अच्छा स्कोर था 164 रन चेस करना इतना आसान नहीं है बड़े ग्राउंड्स पे, और मुझे लगता है 160 से 180 के बीच में अगर कोई टोटल बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को इतना आसान नहीं होगा। और बॉलिंग की बातें करो तो बॉलिंग भी शानदार, स्लोअर गेंद का डेविड विजय है, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। पहला जो बेन शिकागो का मैं कहूंगा, वो ओवर जो 2 गेंदों में 2 विकेट ले लिए, हैट्रिक से मिस कर गए, हैट्रिक भी ले सकते थे जैसी गेंदबाजी उन्होंने की थी। अगर तीसरी गेंद में LBW का अपील हुआ था, वो अपील आपका इसलिए खारिज हो गया क्योंकि आपका स्टंप पे गेंद नहीं था, जिस रीजन से LBW नहीं मिला, अदरवाइज वो हैट्रिक भी होता, वही टर्निंग पॉइंट था। उसमें 2 बड़े बैट्समैन श्रीलंका के आउट हो गए और उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते रहे, कोई भी बल्लेबाजी नहीं कर पाया, और श्रीलंका एशिया कप जीत कर आ रही थी दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा अचंभे वाली बात है कि नामीबिया जैसी टीम से वो हार गई, और विश्व कप का शुरुआत शानदार रहा है। अगर आप लोगों ने जेपी क्रिकेट तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप गेम शुरू होने वाला है, उस मैच पे भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि भारतीय टीम भी पिछला मैच जो थी वो हार गई थी। इतना आसान नहीं होगा भारत की टीम के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी बॉलिंग वीक है बुमराह के नहीं होने की वजह से। उमरान मल्लिक को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, ऐसी पिचेस पे उमरान मल्लिक को अगर सेलेक्ट करते भारतीय टीम में तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन देखते हैं क्या होना है। अर्शदीप से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और साथ में हर्षल पटेल को खेल दिखाना होगा। अगर भारतीय टीम को कुछ करना है तो हर्षल पटेल अच्छा वर्ल्ड कप में करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और हार्दिक पांड्या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और देखते हैं वर्ल्ड कप में क्या होता है दोस्तों। आज पहला वार्म अप गेम है, तो भारतीय टीम के लिए शुभकामनाएं। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नामीबिया को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बड़ी टीम को अपसेट किया है और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। ये नहीं कि ये तुक्का में मैच जीत गए, बहुत अच्छे तरीके से वेल बैलेंस्ड होकर उन्होंने इस मैच को जीता है उनकी टीम ने, और बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। तो चलते हैं आने वाले वीडियो में, आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे जेपी क्रिकेट तक में, आपको वर्ल्ड कप का हर मैच का वीडियो मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।